लोधी वंश के अंत के साथ ही भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई। दोस्तों मेरा नाम है पंकज और आप भारत के इतिहास के बारे में देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत करी, जिसने 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करा। सन 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मृत्यु के चार दिन के बाद ही 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की इच्छा के अनुसार उसके बड़े बेटे हुमायूं को मुगल सिंहासन की गद्दी पर बिठाया और उसका राज्याभिषेक किया गया। बाबर के चार पुत्र थे। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले सोचा कि मेरे पुत्रों के बीच साम्राज्य को लेकर के लड़ाई ना हो, उसके लिए उसने अपने अन्य पुत्रों को उत्तराधिकारी बनने की इच्छा को जताने से पहले ही जीवित रहते हुए उसने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके साथ ही बाबर ने चारों तरफ फैले हुए मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूं को मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांटने का आदेश दिया। अपने पिता बाबर की आज्ञा को मानते हुए हुमायूं ने अपने मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांट दिया। उसने अपने भाई कमरान मिर्जा को पंजाब, कांधार और काबुल का हिस्सा दिया, हिंदाल को अलवर का शासक बनाया और अपने तीसरे भाई अस्करी को संबल की सूबेदारी सौंपी। यही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बादशाह की जागीर सौंपी। हालांकि हुमायूं द्वारा भाइयों को जागीर सौंपने का यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसी वजह से उसे पूरी जिंदगी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं उसका सौतेला भाई, जिसे उसने बादशाह की जागीर सौंपी थी, वो उसके लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी साबित हुआ। हुमायूं की अफगान के शासकों के बीच में कट्टर दुश्मनी थी। वहीं अफगान के शासकों के बीच हुई लड़ाई में उसके किसी भी भाई ने उसका साथ नहीं दिया, इसीलिए उसे बार बार अफगानिस्तान के विरुद्ध लड़ाई में हारना पड़ा। सन 1531 ईस्वी, उसमें गुजरात में बहादुर शाह का शासन था। सन 1531 ईस्वी में बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया और उसके एक साल के बाद ही सन 1532 ईस्वी में सायसीन के किले पर अधिकार कर लिया। इसीलिए उसने मेवाड़ को एक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय बहादुर शाह ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए टर्की के एक शासक रूमी खान की सहायता से उसने एक तोफ बनाने वाले कारखाने की शुरुआत करी, जिसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए सन 1535 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। दोनों शासकों के बीच में हुई इस भयंकर लड़ाई में गुजरात के शासक बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से मालवा और गुजरात को मुगल साम्राज्य में शामिल करने के लिए उसने एक काफी बड़ी सफलता हासिल करी। सन 1538 ईस्वी में हुमायूं ने एक विजय अभियान की शुरुआत करी। अपने विजय अभियान को लेकर के हुमायूं बंगाल के गौड़ा क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने चारों तरफ लाशों का मंजर देखा। इसके बाद हुमायूं ने इस जगह का फिर से निर्माण करवाने का आदेश दिया और इस जगह का नाम जनतावाद रखा गया। वहीं बंगाल से वापस लौटते समय हुमायूं और शेर खान के बीच में बक्सर के पास सन 1539 ईस्वी में चौसा नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं हुमायूं ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। सन 1540 ईस्वी में हुमायूं का युद्ध बिलग्राम में हुआ। बिलग्राम का ये युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और सूरी साम्राज्य के शासक शेरशाह सूरी के बीच में था। इस युद्ध के परिणाम में सन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। इस तरह से एक पहला बिहारी मुसलमान दिल्ली की गद्दी पर बैठा, क्योंकि बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। वहीं कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमजोर पड़ गया और देश की राजसत्ता एक बार फिर से अफगान लोगों के हाथ में आ गई। इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं वापस सिंध चला गया। करीब 15 साल उसने निर्वासित जीवन व्यतीत करा। सन 1541 ईस्वी में हुमायूं ने फारसवासी शिया की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। उस निकाह के बाद उसे एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अकबर हुआ। अकबर ने ही बाद में मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। 15 साल बिताने के बाद सन 1555 ईस्वी में मुगलों और अफगानों के बीच में सरहिंद नामक एक जगह पर एक भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर ने किया। हालांकि इस युद्ध में अफगान सेना को हार का सामना करना पड़ा और एक बार फिर से 23 जुलाई सन 1555 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं दिल्ली की सत्ता पर बैठा। सन 1556 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज्यादा दिन तक सत्ता का सुख नहीं ले सका। सन 1556 ईस्वी में जब हुमायूं दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी से वापस आ रहा था तो सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसल गया। इसी वजह से वो सीढ़ियों से गिर गया और सीढ़ियों से गिरने के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। उसमें अकबर की उम्र 13 बरस की थी, इसीलिए बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया और उसके बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की और लगभग पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।